एवन पंजाबी ते एवन न्यूज़ विच आप सब का स्वागत है। मैं थोड़ा दोस्त सोम सहोता तो लैके हाजिर है खरिया खरिया। दोस्तों आप सब नू एवन पंजाबी दी समुची टीम वालों पहला 15 अगस्त दियाँ बहुत बहुत मुबारक। असी दुआ करते हैं कि 15 अगस्त हमेशा शांति और एकता का सुनेहा लैके आवे। खबर वल वधदे हां दोस्तों, 1984 नू कौन भुल सकता है, और 1984 दे विच एक नाम बड़ा वायरल हो रहा, वह है सज्जन कुमार। हुण सज्जन कुमार दे केस की होवेगी हर रोज़ सुनवाई। ये कहा जी 1984 दे वकील, इस केस नू लड़न वाले वकील जनाब HS फुलका साहब ने, उन्होंने की कहा सज्जन कुमार दे केस बारे और 1984 दे पूरे केस बारे, सुनो तुसी भी। अज सज्जन कुमार दा केस लग्या हुआ सी, ते उस केस दे विच जो के काफ़ी देर तो पहला एक साल तो उपर सुनवाई चल रही थी, तो हुण जज की बदली हो गई। अज नवे जज अगे लग्या सी, जस्टिस मुरलीधर दा बेंच है, ते उन्होंने अज इहदे 11 सितंबर तो लगातार डे टू डे हेयरिंग लई फिक्स किया, तो ऑर्डर किए हैं। तो सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि जी लंच तो बाद होना चाहिए, बल्कि 2 बजे तो बाद हो गए, पर जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि नहीं, असी वेले 11:15 बजे वेले हो जाने, तो उदू बाद असी इहो केस लवेंगे, तो तुसी अपने आप नूं तुहाडी ड्यूटी बनती है कि तुसी इस केस नूं प्रायोरिटी दो, तो आके इत्थे इहदे च पार्टीसपेट करो हीयरिंग दे विच। ते हुण इह केस 11 सितंबर तो लगातार चलेगा, तो ये अच्छा कि जे लगातार चले तो जल्दी खत्म हो जाएगा। पहला जिवें सिर्फ हफ्ते जो 2 दिन चलता सी, वह भी कई गल्लां करके 2 दिन नहीं सी चल सकता, शुक्रवार नूं आम तौर दे उत्ते होर भी कई काम हुंदा सी, ते तां पूरी सुनवाई नहीं सी हुंदी, तां उस दी बजाए हुण जो लगातार सुनवाई होएगी, तां उम्मीद आ के उदों बाद सुनवाई शुरू होण तों 2 महीने दे विच इह केस दी सुनवाई खत्म हो के और 3 महीने दे विच फैसला इहदा टोटल जो हुण इसे 2018 दे विच विच ही इहदा पूरा फैसला हो जाएगा आ जाएगा, इह हुण पूरी उम्मीद है इस केस दे विच। बिल्कुल ये सही आ कि ये केस ऑलरेडी बहुत इन्ने ज़्यादा लंबे हो गए ने, ते ये सारे केसां दे विच कोर्ट नूं डे टू डे हीयरिंग दे ऑर्डर करके, ते इहदे विच इह केस जल्दी खत्म करवाने चाहिए आ। ये बड़ा अच्छा सुझाव और सरकार नूं इस नूं इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल जी, इंतज़ार है और पूरी मतलब पंजाबीयत नूं ही नहीं, पूरे जिथे जिथे पंजाबी वसदे आ उत्थे उत्थे वशिंदियां नूं बकायदा तौर पर इंतज़ार है 1984 दे फैसले का, कि जिहड़े दोषी इन्हां विच जिन्हां दे नाम आए ने उन्हां दे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की हुंदी है और किस तरह का फैसला आउंदा है। सो दोस्तों प्रोग्राम के अंत में कमेंट करया करो, चंगी भाषा च करया करो, वलगर भाषा का इस्तेमाल ना करया करो। जेकर तुहाडे कोल भी कोई खबर है, उसकी जानकारी है, तो मेल करो। मेल ID है avanlivepunjab@gmail.com। संपर्क करना चाहते हो 6280-3637-29 ते कर सकते हो, और एवन पंजाबी ता एवन न्यूज़ नू वध तो वध सब्सक्राइब करो। फॉर ऑल अपडेटेड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब एवन न्यूज़ एंड क्लिक द बेल आइकन।